वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में चौपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए कावड़ नीति लागू करने का ऐलान किया। इस नीति के अनुसार निजी वाहन 20 साल तक और व्यावसायिक 15 साल तक ही सड़कों पर चलाए जा सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर और वाणिज्यिक को 15 साल होने पर फिटनेस जांच से गुजरना होगा। पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं से फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क के लिए 3 गुना वसूली की जाएगी। पुराने वाहन कबाड़ में बेचने वालों को सरकार नए वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफी सहित कई रियायतें प्रदान करेगी। इस नीति के जरिए आयात लागू कम करने के लिए कम ईंधन की खपत वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में इस नीति की विस्तृत जानकारियां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अलग से दी जाएंगी।